उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नकाबपोश तीन बदमाशों ने हथियारों के बल पर स्टाफ को बंधक बनाकर बैंक लूट लिया। दिन दहाड़े बैंक लूट की वारदात से इन इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं वारदात ने पुलिस सुरक्षा की पोल खोल दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लूट की वारदात का जल्द खुलासा करने की बात जरूर कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ फिलहाल खाली हाथ बताए जा रहे हैं। बुलंदशहर कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव नीमखेड़ा स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा में आज दिन दहाड़े हथियारों से लैस बाइक सवार तीन लुटेरे बैंक में घुसे और स्टाफ को गन पॉइंट पर लेकर करीब 6 लाख रुपए कैश लूट कर फरार हो गए। बताया जा रहा है तीनों नकाबपोश बदमाशों के हाथों में हथियार लिए हुए थे। लुटेरों ने गन पॉइंट पर लेकर स्टाफ और बैंक ग्राहक को बंधक बना लिया और कैशियर के केबिन में घुसकर करीब 6 लाख रुपए की नकदी लूट ली। लुटेरों ने बैंक में आधा घंटे तक डांटा मचाया और तसल्ली के साथ बैंक लूट की वारदात को अंजाम देकर बाइक से फरार हो गए। जैसे ही घटना की सूचना पुलिस को पहुंची, पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचे और बैंक स्टाफ से घटना की जानकारी हासिल की। पुलिस अफसरों ने सीसीटीवी की पड़ताल भी की। बताया जा रहा है कि लूट की पूरी वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एसएसपी श्लोक कुमार ने बैंक लूट की वारदात का जल्द खुलासा करने का दावा किया है। हालांकि दिन दहाड़े बैंक लूट की वारदात ने न सिर्फ बदमाशों के बुलंद हौसले को जाहिर कर दिया है, बल्कि पुलिस सुरक्षा के दावे को भी हवा को खारिज कर दिया। ये कहां की घटना है, कैसे हुई है, क्या जानकारी मिली है? ये देहात कोतवाली क्षेत्र में एक नीमखेड़ा गाँव पड़ता है। यहाँ पर एक IOB इंडियन ओवरसीज बैंक का ब्रांच है। इसमें यहाँ के मैनेजर द्वारा ये बताया गया कि यहाँ अंदर तीन लोग घुस आए थे, जिन्होंने अंदर से लगभग 6 लाख के करीब कैश लूट लिया है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और यहाँ हमारी फॉरेंसिक टीम और SOG की टीम उपस्थित है। कुछ महत्वपूर्ण इसमें CCTV फुटेज मिले हैं, जिससे कि कुछ हम लोगों को चेहरे क्लियर हुए हैं, उन पर हमारी टीम काम कर रही है। जल्द से जल्द इन इस घटना में जो भी लोग शामिल हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।